देखिए हमारी दाल मखनी बन गई है बिना लहसुन प्याज की है। कोई भी इसको बना के खा सकता है, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लोग भी खा सकते हैं। ये काफी स्वादिष्ट बनी हुई है दाल, देख के जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। देखिए और इसमें लहसुन प्याज भी नहीं डाला हुआ है। इस तरह से आप भी बनाइए और बताइए कैसा बना है कमेंट करके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दाल मखनी बनाते हैं। नमस्कार, आज मैं दाल मखनी बनाऊंगी, ये बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी मैं। इसके लिए मैं ले ली हूँ राजमा, मूंग और ये अखा मसूर है। इसको मैं रात में फुला दी थी, पूरी रात फुला है, फुला के मैं ले ली हूँ। और इसमें डालने के लिए मैं ले ली हूँ 4-5 टमाटर है, छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है और मैं ले ली हूँ 4 मिर्च है और अदरक है। अदरक मिर्च और थोड़ा सा टमाटर डाल के पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना ली हूँ, कुकर रखते हैं। कुकर में थोड़ा सा तेल डाली हूँ, जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे और इलायची और दालचीनी भी डाल देंगे। अच्छी तरह से तड़के हमारे जल गए हैं, इसमें हम पेस्ट डाल देते हैं। अच्छी तरह से हम फ्राई करते हैं, मसाले थोड़े फ्राई हो गए हैं। इसमें हम धनिया का पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। टमाटर डाल देते हैं, टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरह से गल रहा है, मसाले फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। इसमें हम डाल देते हैं दाल अपनी, अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक। फ्राई कर ली हुई और इसमें हम डाल देंगे पानी। और इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक, जितना आप नमक खाते हैं स्वाद के हिसाब से डालिए। थोड़ा पानी और डालेंगे, दाल गलेगा और इसको हम 1 सीटी लगा के और फिर उसके बाद हल्के आंच पे बनने देते हैं थोड़ी देर। दाल बन गया है, बहुत अच्छा दाल बना है। इसको निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा से गल गया है, अच्छा गला है दाल। निकाल लेंगे सभी को। इसमें हम मक्खन डाल देंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, गरम करते हैं घी को। घी गरम हो गया है, इसमें जीरा और मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम जला लेते हैं। अच्छी तरह से तड़का चल गया है, इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और दाल पे डाल देंगे, हमारी दाल बन गई है, काफी स्वादिष्ट दाल बनी है। इस तरह से आप बनाइए दाल मखनी और कैसी बनती है कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।
धन्यवाद।